वन वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक और नई जॉब अपडेट के बारे में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि इस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एनीवेज अपडेट की बात करते हैं। यहाँ पर जो अपडेट है वो NAL में है, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज़ में। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आ रही है वो वर्किंग इंटरव्यू के लिए आ रही है। अलग अलग डेट में आपको वर्किंग इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे गेट नेसेसरी नहीं है, अगर गेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब रहने वाला है। तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपकी अच्छी खासी सैलरी है, तो आपको इस अप्लाई करने की आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, खाली बैठे हुए हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है बट यहाँ सही रहेगा, अगर आप खाली बैठे हो तो अप्लाई कर सकते हो। और BE/BTECH इन स्पेसिफिक ब्रांचेज ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सेरेमिक, मटेरियल साइंस, मेटलर्जी, केमिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलीमर, इन सब वाले अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन अगर आपने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, ECE ये सब किया है ब्रांचेस से BE/BTECH, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप वीडियो छोड़ के जा रहे हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। एनीवेज यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशंस की बात कर लें एंड पोजीशंस की बात कर लें। तो यहाँ पे जो आपकी पोजीशन रहने वाली है वो PA की रहने वाली है। PA इन द सेंस कि पर्सनल असिस्टेंट नहीं, यहाँ पे PA का और कुछ मतलब है जो कि मैं आपको बताऊँगा। तो PA 1 में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो अगर आपने MSc BE/BTECH किया है सेरेमिक, मटेरियल साइंस, मेटलर्जी, केमिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलीमर, इन सब में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट दे रखा है तो आप देख लेना। देन यहाँ पे अगर PA 2 की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बात करें कि इस पोजीशन के लिए वॉकिंग इंटरव्यू किस डेट को रखी गई है, 25 जून इसका डेट रखा गया है वॉकिंग इंटरव्यू का। तो डेट आप याद रखना, तो इसी डेट पे आपको जाके इंटरव्यू देना है। देन यहाँ पे सेकेंड इंटरव्यू डेट यहाँ पे 26 जून है। और यहाँ पे जो पोजीशन रहने वाली है PA की रहने वाली है, जिसमें अगर आपने डिप्लोमा BCA BSc किया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS ECE में, यानी कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब रिक्वायरमेंट आप देख लेना। बाकी अगर PA 1 की बात करें तो यहाँ पे BE/BTECH आपने किया है, MSc किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन CS सर्किट ब्रांचेज में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे PA 1 NET गेट की बात करें, तो अगर आपने PA 1 में अप्लाई करना है तो NET या फिर गेट का एग्ज़ाम भी अगर दे रखा है आपने, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। देन ब्रांचेज ये रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और EEE। तो यहाँ पे गेट और NET का एक बेनिफिट है कि आपकी सैलरी थोड़ी सी अधिक ज़्यादा हो जाएगी, बस अदर विदाउट गेट के मुकाबले आपकी सैलरी अच्छी रहेगी अगर आपने गेट यहाँ पे क्वालिफाई किया है। देन यहाँ पे थर्ड की बात करें तो यहाँ पे इसकी इंटरव्यू डेट 28 जून रखी गई है, जहाँ पे अगर पोजीशन की बात करें तो PA 2 BE/BTECH ME/MTECH MSc अगर आपने किया है और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपके ब्रांचेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, EEE, CS, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दैन यहाँ पे PA 2, यहाँ पे NET एंड गेट रिक्वायरमेंट है, लेकिन ब्रांचेज वही है। यहाँ पे SAP में अगर आपने ME/MTECH किया है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, RF, माइक्रोवेव में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। SAP का मतलब भी कुछ है, मैं आपको बताऊँगा। दैन यहाँ पे PA के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है
एरोस्पेस में, एरोनॉटिकल में, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे अगर बात करें आपकी डेट क्या रहने वाली है इंटरव्यू की, तो 1 जुलाई रहने वाली है। तो यहाँ पे 1 जुलाई है, तो ये चीज़ डेट का ध्यान रखना, आपको इसी डेट पे जाके इंटरव्यू देना है। बाकी इसका कहाँ जाना है मैं आपको बता दूँगा एड्रेस। मैं PA1 की बात करें तो अगर आपने BE BTEC किया है स्पेसिफिक ब्रांचेज में, जैसे कि एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, मेकाट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, CS IT, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे अगर बात करें PA1 गेट एंड NET है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन यहाँ ये इसकी इंटरव्यू डेट की बात करें तो 2 जुलाई है, तो 2 जुलाई आप ध्यान रखना अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे इसकी इंटरव्यू डेट 4 जुलाई को है। बाकी यहाँ पे इनकी पोजीशन की बात करें तो PA2 है, जहाँ पे BE BTEC, ME MTEC अगर आपके पास है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ब्रांचेज आपका है एरोस्पेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मल, बाकी और भी ब्रांचेज दे रखे हैं जो कि आप देख लेना। यहाँ पे PA2 की बात करें तो यहाँ पे आपके BE BTEC 2 ईयर का एक्सपीरियंस है एरोस्पेस में, एरोनॉटिकल में, मैकेनिकल में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे SAP BE BTEC अगर आपके पास है और 4 ईयर का एक्सपीरियंस है मैकेनिकल में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बात करें मंथली स्टाइपेंड की, तो आपका जो PA का पोजीशन रहने वाला था प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, वहाँ पे 20,000 आपको मिलेगा प्लस HRA, बाकी बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड देन सेकंड की बात करें प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की, तो यहाँ पे आपको 25,000 के करीब देखने को मिल जाएगा, साथ में आपका HRA भी इंक्लूड रहेगा। एंड देन यहाँ पे इसी में बात करें कि गेट, अगर NET और गेट आप क्वालिफाइड हो, तो 31,000 आपकी सैलरी रहेगी प्लस HRA। एंड देन प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की बात करें तो 28,000 आपकी रहेगी सैलरी प्लस HRA। एंड देन आप अगर आपके पास NET गेट है, तो 35,000 यहाँ पे मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे NET अगर आपके पास और गेट क्वालिफाइड हो, तो आपकी सैलरी यहाँ पे कुछ बढ़ के मिल जाएगी। अगर यहाँ पे सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, जैसे SPA की बात करें, तो यहाँ पे सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की 42,000 यहाँ पे सैलरी रहने वाली। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स एंड फ्रेशर कैंडिडेट और जिनके पास गेट है, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे ओनली इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होने वाला है। और आपको इंटरव्यू देने कहाँ जाना है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। तो ये आपका यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, तो इस एड्रेस पे जाना है। शायद से ये एड्रेस आपका बेंगलुरु का होने वाला है, तो इस एड्रेस पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बेंगलुरु का एड्रेस होने वाला है, जो NAL वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो उन सारे डेट्स में जो मैंने आपको बताए थे, वहाँ पे आपको जाना होगा। 9:30 PM तक आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। आपका सब डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होना चाहिए। एंड देन यहाँ पे जो एक फॉर्म दे रखा है, इसको फिल करके अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखना अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।